Hello everyone, welcome to Ace Accounts with me Anikant, and in this video we're gonna ace components of business plan, and we're gonna include two components of business plan in this particular video and move on with other components of business plan in further upcoming videos. I request you to like, share and subscribe to the channel. If you haven't subscribed yet, please press the bell icon to be notified about the further coming videos. So let's start with components of business plan. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कितने तरीके के फॉर्मेट होते हैं बिजनेस प्लान के, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं उस बिजनेस प्लान के, बिजनेस प्लान के अंदर आखिर लिखा क्या क्या जाता है. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बिजनेस प्लान को आखिर बनाया कैसे जाता है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस बिजनेस प्लान के अंदर आता क्या क्या है. तो पहला कॉम्पोनेंट है बिजनेस प्लान का कवर पेज या फिर जनरल इंट्रोडक्शन पेज, दूसरा है बिजनेस वेंचर, फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, फिर प्रोडक्शन प्लान, ऑपरेशनल प्लान, ह्यूमन रिसोर्स प्लान, मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल प्लान एंड लास्ट इज मिसलेनियस और अपेंडिक्स. चलिए इनके बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करता हूँ अभी, एक एक करके ये सारे कॉम्पोनेंट्स को हम कवर करते चलते हैं. सबसे पहले लेते हैं कवर पेज या जनरल इंट्रोडक्शन. किसी भी इंसान को अगर आप आपका बिजनेस प्लान दिखाने जाएंगे तो सबसे पहले तो वो आपके बिजनेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेगा, और फिर चाहेगा आपके बारे में एक बेसिक जानकारी हो. ही वॉन्ट्स टू नो यू, हु आर यू, हु इज इंफॉर्मिंग हिम और हु इज ब्रिंगिंग द बिजनेस प्लान टू हिम, सो ही नीड्स टू नो अ बेसिक आइडिया अबाउट यू. सो जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर टाइटल या कवर पेज होता है, उसके अंदर ब्रीफ समरी दे रखी होती है, नाम दे रखा होता है आपके एंटरप्राइज का और बेसिक समरी दे रखी होती है. फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योर की सीवी आती है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, अगर उनकी कोई और कैपेबिलिटीज हैं तो उसके बारे में भी यहां लिखा जाएगा. सी अदर कैपेबिलिटीज माइट बी अ सिलेक्शन फैक्टर फॉर योर आइडिया. दी प्राइमरी दी हाईलाइट यूज ऑफ द बिजनेस प्लान इज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, प्राइमरी यूज ये होता है. तो आपकी कैपेबिलिटीज और क्वालिफिकेशन के बारे में आप लिख सकते हैं. इंडस्ट्री की प्रोफाइल दीजिए, जिस इंडस्ट्री से आप आपका बिजनेस आइडिया ला रहे हैं, कि भैया ये रिटेल से है या टेक्नोलॉजी का है या किस सेक्टर का आइडिया है, ताकि इन्वेस्टर को थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाए कि ये पर्टिकुलर बिजनेस प्लान उनके फोर्टे का, उनकी लाइकिंग का, उनके सेक्टर का, उनके जोन का है या नहीं. तो इंडस्ट्री की प्रोफाइल, नेम एंड एड्रेस दे दीजिए, आपके एंटरप्राइज का, आपका एंटरप्राइज का ऑफिशियल नंबर, ईमेल एड्रेस इफ देर इज एनी वेबसाइट, ऑल्सो शेयर योर सोशल मीडिया डिटेल्स, बिकॉज इन द मॉडर्न वर्ल्ड बिजनेस ऑल द बिजनेसेस हैव देयर सोशल मीडिया प्रेजेंस. सो शेयर योर ट्विटर हैंडल्स, शेयर योर फेसबुक प्रोफाइल पेजेस एक्सेट्रा. आपका नेचर ऑफ बिजनेस बता दीजिए इंडस्ट्री प्रोफाइल के अंदर, और आपकी ब्रांचेस के बारे में थोड़ा आइडिया दे दीजिए अगर है तो. सो दिस वॉज द फर्स्ट बेसिक थिंग विच वॉज दी जनरल इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा आपके बिजनेस का इंट्रोडक्शन. इसके बाद आते हैं हम बिजनेस वेंचर. देखिए जनरल इंट्रोडक्शन में समझिए कि जैसे एंटरप्रेन्योर का सीवी था, मतलब एंटरप्रेन्योर का करिकुलम वटे, दैट मीन्स दी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दी एंटरप्रेन्योर. अब बिजनेस वेंचर के अंदर हम बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे किसकी, बिजनेस की जो आप कर रहे हैं. द बिजनेस वेंचर एलिमेंट यूजुअली बिगिंस विथ योर मिशन स्टेटमेंट, कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, साइज क्या होगी आपके ऑर्गेनाइजेशन की, स्कोप क्या रहेगा आपके बिजनेस का, नेचर क्या रहेगा, व्हाट वी होप टू अकम्प्लिश विद द बिजनेस इज यूजुअली द एलिमेंट दैट इज स्टार्टेड विथ इन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट बिजनेस वेंचर ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान. क्या क्या एलिमेंट्स और कवर होते हैं गाइज, साइट के बारे में बताया जाएगा कि उसकी लोकेशन क्या है, फिर बताया जाएगा कि आप उसके ओनर हैं या वो लीज होल्ड है, मतलब आपने लीज पर लिए, किराए पे लिए है, या आप उस साइट के मालिक हैं. इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है, जिस इंडस्ट्रियल एरिया के आप पार्ट हैं, अगर NOC चाहिए म्यूनसिपल अथॉरिटीज से तो वो आपने ऑप्टेन करी है या नहीं करी है, नहीं करी है तो कैसे करेंगे, कब करेंगे.
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया जाएगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, पहला रॉ मटेरियल। आपका रॉ मटेरियल इंडिजीनियस देसी होगा या इंपोर्टेड होगा, विदेश से मंगाया जाएगा। इफ इट इज इंपोर्टेड देन यू हैव टू टेल मी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सप्लाई। ऑल्सो इफ इट इज इंडिजीनियस यू नीड टू लेट अस नो दैट व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ योर रॉ मटेरियल। लेबर किस टाइप की रिक्वायर्ड है, स्किल्ड अनस्किल्ड प्रोफेशनल, कितना नंबर में रिक्वायर्ड है, मतलब क्वालिटी क्या चाहिए लेबर की और क्वांटिटी क्या चाहिए, उनकी ट्रेनिंग का क्या प्रोविजन है, किस तरीके से ट्रेन करेंगे, इफ अ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इज नीडेड बिफोर द पर्सन कैन बी पुट ऑन अ पर्टिकुलर जॉब। यूटिलिटीज क्या क्या चाहिएंगी, यूटिलिटीज का मतलब है पावर, फ्यूल, वाटर, गैस, तो इन सब का आपको किस तरीके किस टाइप की यूटिलिटी रिक्वायर्ड है, कितना लोड सैंक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल सैंक्शन के लिए, कमर्शियल यूज के लिए एक सेपरेट कनेक्शन लेना पड़ता है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का। रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और वाटर सप्लाई से आप कमर्शियल काम नहीं कर सकते हैं। इवन कमर्शियल पर्पज के लिए आपको लोड सैंक्शन भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि मशीनरी आपकी हैवी मशीनरी लग सकती है, तो यू नीड स्पेशल सैंक्शन फॉर इट फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडिंग अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। वट विल बी द सोर्स ऑफ दीज यूटिलिटीज, वट विल बी द क्वालिटी ऑफ दिस यूटिलिटी, किस क्वालिटी का वाटर चाहिए, क्या फ्यूल चाहिए, कितना पावर चाहिए। सप्लायर का नाम बता दीजिए इफ पॉसिबल। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तीसरी चीज थी यूटिलिटीज। तो हमने देखा है अभी तक के रॉ मटेरियल चाहिए, कैसा चाहिए, और फिर लेबर इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, और फिर यूटिलिटीज आती हैं। इसके बाद आएगा पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में अगर आपको कुछ डिटेल है आपके बिजनेस में, ये ज़रूरी है पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड कुछ चीज़ें, तो वो बतानी है आपको। व्हाट इज़ योर सीवेज सिस्टम, हाउ विल यू ट्रीट द सीवेज, वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप करते हैं तो किस तरीके से डंप या डिस्पोज करते हैं दूसरे तरीके का वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट और एनी अदर वेस्ट। इफ यू आर एमिटिंग हार्मफुल गैसेस, हाउ विल द एमिशन विल टेक प्लेस, हाउ हाई वुड बी द चिमनी, हाउ मेनी फिल्टर्स वुड बी अप्लाइड, ये सारा पॉल्यूशन कंट्रोल में लिखेंगे। अंडर वेयर इन योर बिजनेस वेंचर एलिमेंट एंड अंडर द सब हेडिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पॉइंट है ये, क्या पॉल्यूशन कंट्रोल। इसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में आप थोड़ी जानकारी दे दीजिएगा। व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, व्हाट मोड्स एंड मीन्स वुड बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड इवन कम्युनिकेशन, बिकॉज देर आर मेनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टूडे। यू कैन कम्युनिकेट वाया सेल्यूलर फोन और लैंडलाइन और एन इंटरनेट और अ सैटेलाइट फोन। बॉटलनेक्स के बारे में आप जानकारी दे दीजिए। जी आपको ये टर्म बॉटलनेक में डिफाइन करके बता देता हूं। इमेजिन अ बॉटल इन योर माइंड राइट नाउ। नाउ इफ द नेक ऑफ द बॉटल इज थिन, द डाउनपोर फ्रॉम द बॉटल वुड बी स्लोड डाउन। आप बॉटल से जो पानी निकलेगा या जो लिक्विड उसके अंदर कॉन्टेंट होंगे वो स्लोली निकलेंगे। तो बॉटल नेक का मतलब यह है कि आपके स्मूथ रनिंग ऑफ ऑपरेशन को अगर कुछ हर्डल क्रिएट करता है, प्रोसेस तो हो रहा है बट उस स्पीड से नहीं हो रहा, तो अगर कुछ बॉटल नेक्स हैं तो उनके बारे में भी आप थोड़ी जानकारी दे दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से लेकर, मतलब ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में थोड़ा सा बॉटल नेक है, स्मूथ नहीं होगा, स्पीडली नहीं होगा, थोड़ी सी रेड टेपिंग आ जाएगी। रेड टेपिंग में इस बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक वर्ड बट इट अप्लाइज टू कॉरपोरेट कल्चर एज वेल, कि भाई फाइल का मूवमेंट स्लो हो चुका है, सैंक्शन का प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है, फाइल अटकी पड़ी है, तो अगर ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन के अंदर अगर ऐसे कुछ बॉटल नेक्स हैं तो उनको हाईलाइट कर दीजिए और उनको अवॉइड करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज द बेटर द स्पीड, इफ द ऑपरेशन इज गोइंग पॉजिटिवली देन वी वॉन्ट इट टू गो एट द बेस्ट पेस इट कैन गो पॉसिबली। सो नेक्स्ट इज मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट के अंदर गाइज हम बताएंगे कि किस तरह की मशीनरी हमें चाहिए, लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। आपकी मशीनरी को कितने आइटम्स चाहिए लगेंगे, कितने इक्विपमेंट लगेंगे टू ऑपरेट, एनी एक्सेसरीज दैट इज रिक्वायर्ड विद योर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, साइज ऑफ योर मशीनरी, द कैपेसिटी ऑफ योर मशीनरी, सैंक्शनड एंड लाइसेंस्ड कैपेसिटी, के भाई हमारी मशीन 100,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, सारे मशीन आर्स में जिसमें वो ऑपरेट कर रही है, किस टाइप का चाहिएगा, क्या कॉस्ट होगी उसकी, और सप्लायर उसका जिस जहां से ये सारे इक्विपमेंट्स ऑफ मशीनरी आएंगे, आइटम्स ऑफ मशीनरी आएंगे।
इसके बाद आप थोड़ा प्रोडक्शन प्रोसेस का अपना बेसिक आइडिया देंगे, मेंशन करिए प्रोसेस, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बारे में बताइए, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताइए कि आप मशीन इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव चल रहे हैं या लेबर इंटेंसिव चल रहे हैं। फिर आप बताइए कि अगर कोई टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है तो ये लोकल होगी या इम्पोर्टेड होगी, और शिफ्ट्स क्या इन्वॉल्व रहेगी, आप डे शिफ्ट में काम करेंगे, नाइट शिफ्ट में काम करेंगे या दोनों शिफ्ट में काम करेंगे, इसका एक बेसिक आइडिया दे दीजिएगा आप आपके बिजनेस वेंचर कंपोनेंट के अंदर, बिजनेस प्लान के। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी हैव कवर्ड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान एंड वी हैव कवर्ड टू कंपोनेंट्स व्हिच आर स्लाइटली स्मॉलर कंपैरेटिवली टू द अदर कंपोनेंट्स। वन वाज जनरल इंट्रोडक्शन गाइस एंड अदर वाज बिजनेस वेंचर। बिजनेस वेंचर के अंदर हमने देखा कि एक तो साइट के बारे में डेटा होता है, दूसरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके कुछ एलिमेंट्स। अगले वीडियो में हम बचे हुए प्लान्स को देखेंगे, प्रोडक्शन प्लान, ऑपरेशनल प्लान, मार्केटिंग प्लान, ह्यूमन रिसोर्स प्लान, फाइनेंशियल प्लान। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू हैव अ वेरी हैप्पी एंड अ गुड डे। स्टे सब्सक्राइब्ड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।